पिछले एपिसोड में हमने देखा सनी बैन और बाकी लोगों के पास आकर कहती है, मैं जानती हूँ ग्रैंडपा मैक्स को किसने मारा है। और वो कहती है कि वो शख्स अभी हमारे प्लैनेट पर कब्जा करके बैठा है। वो हमारे सारे एनोडाइट्स की पावर को एक जगह स्टोर कर रहा है, जिससे कि वो हमारी पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करके फिर से एक नई गैलेक्सी क्रिएट कर सके। और तभी प्रोफेसर पैराडॉक्स आते हैं और कहते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि इयोन है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इयोन ग्वेन की एक छोटी सी गलती की वजह से हमारे यूनिवर्स में वापस आ पाया है। तो बैन कहता है कि इस बार पूरी गैलेक्सी पर खतरा मंडरा रहा है, हमें उसे रोकने के लिए एक बड़ी और बेहतरीन टीम तैयार करनी होगी। अब आगे फिर बैन केविन से कहता है, मैं मैनी हेलेन और पियर्स को ढूंढता हूँ, तुम और ग्वेन प्रोफेसर पैराडॉक्स के साथ जाकर एलन कूपर और डार्क स्टार को ढूंढो। साथ ही साथ बैन यूनिस से कहता है, तुम सनी और राइनी को लेकर सीधा मिस्टर स्मूदी पहुंचो, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। और फिर केविन कहता है, अरे फिर से मिस्टर स्मूदी, नहीं यार। और ग्वेन कहती है, चलो अब जल्दी, वक्त नहीं है हमारे पास। फिर हम देखते हैं बैन शिप को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर प्रोफेसर पैराडॉक्स ग्वेन और केविन को टेलीपोर्ट करके एलन के पास लेकर जाते हैं। एलन उन्हें देखकर सरप्राइज हो जाता है कि आखिर आज ये लोग यहाँ कैसे। तो केविन एलन को बोलता है, मेरे दोस्त अब कुछ बड़ा करने का वक्त आ गया है, चलो हमारे साथ। फिर हमें दिखाते हैं कि बैन शिप के साथ हेलन और मैनी की लोकेशन पर पहुंच चुका है। तो हेलन बैन को देखकर पूछती है, ओह बैन, बड़े दिनों बाद, या कहूँ तो बड़े सालों बाद, तुम्हें आखिरी बार शायद 2 साल पहले देखा था या उससे भी पहले। तो बैन कहता है कि शायद हम आज भी ना मिलते, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। पूरा यूनिवर्स खतरे में है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो हेलन कहती है, हम प्लमर्स हैं और यही तो हमारा काम है, दुनिया को बचाना, हम तुम्हारे साथ जरूर चलेंगे। तो फिर मैनी बैन से कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये अजीब सा एलियन डॉगी कौन है। मैनी की बात से शिप को बुरा लग जाता है और वो अपने कॉम्बैट स्पेसशिप फॉर्म में आ जाता है। और उसके इस रूप को देखकर मैनी कहता है, बाप रे, ये तो मौत का सौदागर लगता है। बैन, अगर तुम्हारे पास ही मौत का सौदागर है तो तुम्हें हमारी मदद क्यों चाहिए। तो बैन हेलेन से पूछता है कि पियर्स कहाँ है। तो वो कहती है, हाँ वो बस यहीं कहीं पर है। फिर पियर्स बैन के पीछे से आवाज लगाता है और कहता है, तो फिर चले बैन टेनिसन यूनिवर्स को बचाने। तो बैन उससे कहता है, ओह तो तुमने हमारी बातें सुन ली थी, तो चलो फिर। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि ग्वेन केविन और प्रोफेसर पैराडॉक्स के साथ कूपर के पास पहुंचती है। कूपर ग्वेन को देखकर काफी खुश होता है और कहता है, ओह ग्वेन, मुझे बहुत खुशी हुई तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो। और केविन ग्वेन की टांग खींचते हुए कहता है, ग्वेन तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तो तुम्हें देखकर पागल ही हुए जा रहा है। फिर ग्वेन कूपर को कहती है, कूपर यूनिवर्स खतरे में है, क्या तुम उसे बचाने में हमारी मदद करोगे। तो कूपर कहता है, तुम्हारे लिए कुछ भी ग्वेन। फिर ग्वेन डार्क स्टार के पास पहुंचती है और कहती है कि यूनिवर्स खतरे में है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो डार्क स्टार कहता है, बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो ग्वेन कहती है, अगर यूनिवर्स खत्म हो गया तो तुम भी नहीं बचोगे, लेकिन अगर तुमने हमारी मदद की तो मैं तुम्हें इतना मैना दूंगी कि तुम कम से कम पूरे 10 साल तक जवान दिखोगे। और उसकी बात सुन के डार्क स्टार खुश हो जाता है और कहता है, तो डील पक्की प्यारी ग्वेन। इसके बाद सभी एक साथ मिस्टर स्मूदी के पास मिलते हैं। और जैसे ही केविन वहां देखता है कि बैन फिर से मिस्टर स्मूदी पी रहा होता है, तो वो उसे टोकते हुए कहता है, बैन तुम नहीं सुधरोगे। इसके बाद बैन ग्वेन को कहता है, ग्वेन इतने लोग होने के बावजूद भी हम अभी ज्यादा ताकतवर नहीं है, हमें और लोग चाहिए होंगे। तो ग्वेन कहती है, और कौन है जो हमारी मदद कर सकता है। तो बैन कहता है, चार्मकास्टर। फिर ग्वेन कहती है, शायद ही वो हमारी मदद करे। तो बैन कहता है, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो ग्वेन कहती है, उसके लिए हमें लेजर डोमेन जाना होगा और उसका दरवाजा खोलने के लिए जो मैजिक स्पेल बोलना है वो मुझे नहीं पता। अब उस मैजिक स्पेल के लिए हमें हैक्स की किताब चाहिए होगी। फिर बैन कहता है, तो चलो फिर, शुभ काम में देरी कैसी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।